हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लाइव क्लास नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। दोस्तों, ये आपकी 13 जून की स्पेशल क्लास है और खास बात यह है कि आज आपकी पहली डेमो क्लास है। मतलब यहाँ पर आपको वो क्वेश्चन मिलते हैं जो गत वर्ष में पूछे गए प्रश्न हैं और जो टॉपिक हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग की स्पेशल क्लास का जो टाइमिंग है ये दोस्तों आपका 2 बजे है, आप सभी लोग जानते हैं, आपकी फेवरेट क्लास है। 13 जून की स्पेशल क्लास को शुरू कर लेते हैं। डेमो क्लास है आज आपकी, तो देखिएगा और ये बताइएगा कि ये क्लास आपकी कैसी है। लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके एंड में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डेमो क्लास कैसी लगी, इस तरह की क्लास आपको आगे चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। और सारे मैं बता दूँ आपको, जितने भी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में चैप्टर पूछे जाते हैं रीजनिंग में, जो सिलेबस है उसके साथ साथ और एक्स्ट्रा भी मैंने चैप्टर कराए हैं, तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर अवेलेबल हैं। वहाँ से जाकर के बिल्कुल फ्री में उन क्लासेस को आप ले सकते हैं, क्योंकि वो कुछ टाइम बाद परचेज करने पड़ेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो अब आपको केवल प्रैक्टिस सेट ही कराएंगे, लेकिन उससे पहले डेमो क्लास है, आप देखिए समझिए, उसके बाद कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी आपको, तो आगे से डेमो क्लास आपकी जो है कंटिन्यू होगी। चलिए यहाँ पर देखिए, पहली क्लास आपकी रहती है मॉर्निंग 10 बजे से। ये पेपर फर्स्ट और सेकंड की तैयारी के लिए है, इसमें आपको मॉडल पेपर कराया जाता है। दूसरी क्लास आपकी दोस्तों 12:45 पर रहती है, ये टॉपिक वाइज क्लास रहती है। ये क्लास अगर आपने नहीं ली है, मिस कर दी है, नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाया, तो इस क्लास को जरूर ले लें। होम पेज में जा करके वीडियोज़ वाले ऑप्शन में जाएंगे, ये क्लास आपको मिल जाएगी। ये हिंदी की टॉपिक वाइज क्लास होती है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में जो तीसरी क्लास है, मैं बता दूँ आपको, तीसरी क्लास की अगर बात करें तो तीसरी क्लास जो आपकी है ये 1:15 पर होती है, साइंस और मैथ की, राइट। चौथी क्लास आपकी जो होती है ये 2 बजे से जो भी स्टार्ट हुई है, आपकी फेवरेट क्लास रीजनिंग की, टॉपिक सारे मैंने कवर करवा दिए हैं, टॉपिक वाइज क्लास चल रही थी है, अब इसमें प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। पांचवी क्लास आपको शाम को मिलती है 10 बजे से, जीके प्लस करंट अफेयर। चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में, पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे आ गया। इसमें एक ये शब्द दिया गया है, शब्द में दिए गए अक्षरों को ध्यान में रखते हुए दाएं से चौथे अक्षर के बाएं पांचवां अक्षर। पहले तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जब दाएं और बाएं दिया जाए तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है, ऐड करना होता है। जब डायरेक्शन सेम हो तो वहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन करना होता है। यहाँ पर दिया दाएं से चौथे अक्षर बाएं, तो दाएं और फिर बाएं, यानी यहाँ पर प्लस करेंगे, सम करेंगे। तो पहले तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहाँ से शुरू कर रहा है, दाएं से, तो दाएं से चलेंगे, चौथे अक्षर बोला है, इस चौथे अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर, तो पांच यहाँ पर और जोड़ दीजिए, तो यानी हमको मिल जाएगा नवा अक्षर। काउंट करिए पीछे से, नवा अक्षर कौन सा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो नवा अक्षर आपको क्या मिल गया, एल। नवा अक्षर आपको क्या मिल गया, एल। तो सही आंसर यहाँ पर क्या कर लोगे, ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर आप क्या कर लोगे, ऑप्शन नंबर ए कर लोगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। समझ आ गया सबको, एक बार कमेंट करके बता दें सभी लोग, सबको समझ में आ गया, सभी प्यारे भाई बहन एक बार कमेंट करके बताएंगे। आ गया, चलो भाई, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर क्या, 4 इक्वेशन दिए हैं, ये ये और ये और ये, इसमें से ये 3 इक्वेशन क्या हैं, सॉल्व हैं, ये 3 इक्वेशन क्या हैं, सॉल्व हैं। इसका मान निकालना है, कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखो कि जो इक्वेशन आपको दी गई है उसमें जो अंक प्रयोग किए गए वही अंकों से उनका मान ज्ञात हुआ है ना, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे उठा लो, इन चिन्हों पर मत जाओ, क्योंकि ये रीजनिंग है, रीजनिंग में ऐसे ही आपके जो हैं लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, या तो एक नियम लग जाता है अपने, मतलब कोई भी एक नियम बन जाता है और वो लग जाता है, या मैथमेटिकल का उसका यूज़ नहीं करना है, मैथमेटिक्स का तो मैथमेटिकल का प्रयोग करें, फिर आप लोग इस तरीके से ऐसे से वैसे कुछ है कि डिवाइड करने बैठ जाओ, यहाँ पर कुछ नहीं। चलो यहाँ पर देखो 3 है 5 है 7 है, अब देखो यहाँ पर 3, 7, 5 मिल रहा है, अब बना कैसे, यहाँ पर आप देखो जो पहला अंक है ये उठा करके कहाँ रख दिया गया, पीछे, जो पहला अंक है गुणे में इसको उठा करके कहाँ रख दिया गया, पीछे,
ये पहला जो अंक है इसको उठा करके पीछे रख देगी। यहाँ पर भी ऐसे करो, पहला अंक उठा करके पीछे रख दो, यानी 8 यहाँ पर हो जाएगा और 6000 इससे पहले हो जाएगा। तो सही आंसर आपको यहाँ पर क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका 100% सही आंसर है, ये आपका 100% सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में, 7वां नंबर क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने, स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह क्या है। दोस्तों यहाँ पर क्या कहा है इसने कि स्टार चिन्हों के स्थान पर गणितीय चिन्हों का प्रयोग करना है, सही गणितीय चिन्ह कौन से होंगे निम्न में से, 7वें नंबर पे। चलिए बहुत बढ़िया, देखो यहाँ पर समझना, आप सभी लोग समझना आया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहले तो हम पहले वाले का प्रयोग करें, क्योंकि ये वाले जो प्रश्न करते हैं इसका एक ही लॉजिक होता है, स्पीड, और दूसरा लॉजिक है ऑप्शन से। तो यहाँ पर देखिए, पहले अगर आप प्लस कर लेते हो, माइनस कर लेते हो और प्लस कर लेते हो, तो के बराबर में आपको 8 मिल जाएगा। अगर मिल रहा है 8 तो इससे फिर स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो 5 हो जाएगा, माइनस 2 और प्लस 4, इसको सॉल्व करोगे 3 + 4 यानी 7 मिल रहा है, 8 नहीं मिल रहा है, तो इसको हटाइए। अब यहाँ पर अगर इसका प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ पर देखिए 3 × 2 = 6 बन गया, ठीक है। और माइनस 2 + 4, यहाँ पर अगर माइनस करोगे तो 4 बनेगा और प्लस 4, तो आंसर कितना आ गया, 8। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो यानी स्टार चिन्हों को, इन गणितीय चिन्हों के सही क्रम को क्या कर लेंगे, स्टार चिन्ह को प्रतिस्थापित कर लेंगे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में, कोडिंग एंड डिकोडिंग का है, सारे चैप्टर मैंने करा रखे हैं। कोई भी चैप्टर में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो होम पेज में जाकर के प्लेलिस्ट से उस क्लास को जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को कैसे कर रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए समझिए, अपना आंसर दीजिए कॉमेंट सेक्शन में। चलिए दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखो APPRECIATION है, इसमें जो दिए गए अक्षर हैं उनके लिए यहाँ पर कोड बना दिया गया है, ठीक है। जो दिए गए अक्षर उनके लिए यहाँ पर कोड बना दिया गया है, तो कुछ नहीं करना है आप, ये देखिए TION मिल रहा है, जल्दी करने का तरीका स्पीड में जब बना लोगे। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले R का कोड निकाला, R का कोड कितना है 8 है, R का कोड निकाला, फिर E का कोड कितना है, E का कोड है 3 ले लिया, फिर C का कोड कितना है, C का कोड यहाँ पे 2 है। आगे से करना चाहो तो भी करोगे, लेकिन आगे से यहाँ पर मैच कर रहे हैं तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी कि हमारा सही आंसर कौन सा है। सीधे सीधे पीछे से उठाओ TION में, यहाँ पर देख रहे हो 94-65 TION का कोड यहाँ पर मिल गया 94-65। अब देखो 94-65 यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है नहीं, यहाँ पर 94-65 दिया है हाँ, यहाँ पर दिया है नहीं। अब देखो इन दो विकल्पों में दिया है, बी में और सी में, सही आंसर कैसे पता लगाओगे। यहाँ पर ये देखो कि जो मैच नहीं कर रहा है, देखो यहाँ पर 8 मैच नहीं कर रहा है और यहाँ पर 7 मैच, 8 और 7 में ही डिफरेंस है, बाकी सब तो मैच कर रहे हैं। 2 है, फिर देखो E का कोड कितना है 3 है, तो P का कोड यहाँ पर देखो है कितना, P का कोड यहाँ पर कितना दिया गया, P का कोड यहाँ पर 7 है, तो 7 वाला सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। P का कोड कितना है 7, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भैया, अगला क्वेश्चन ये रहा 9वां नंबर आपके स्क्रीन में, यदि इसको एक कूड भाषा में कोडिंग करके, CORSE को कोडिंग भाषा में किस प्रकार से, इस प्रकार से अरेंज किया जाता है, ESRUORE C, राइट। ऐसे ही आप इस शब्द का कोड निकालिए क्या होगा, चलिए आंसर बताइए फटाफट से, BREATH। तो यहाँ क्या हो गया, H हो गया, ये T हो गया, A हो गया, ये E हो गया, ये R हो गया और ये B हो गया। आपका आंसर यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर बहुत आसान है, अगर हम इसको रो वाइज ले लेंगे, देखिए 5 का वर्ग कर लिया, 4 का वर्ग कर लिया, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, इनको ऐड कर लेंगे, सम निकालेंगे तो 41 बन जाएगा। ऐसे 7 का कर लिए, 9 का, 3 का कर लीजिए तो 7 का 49 होता है, 9 का करेंगे, 3 का करेंगे सॉरी 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप करेंगे 58 बन जाएगा, राइट। ऐसे 10 का कर लीजिए, 2 का कर लीजिए, तो यहाँ पर 100 बन गया और 4 बन गया, प्लस कर लेंगे तो 104 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा सबको। सभी प्यारे भाई बहन सेशन को लाइक ज़रूर कर दें, बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 11वां नंबर प्रश्न है, रमेश पूर्व की ओर 20 मीटर गया,
फिर बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। तो यहाँ पर देखो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये डायरेक्शन आपको ध्यान रखनी है। अब इसने बोला कि पूर्व की ओर 20 मीटर गया, तो पूर्व की ओर 20 मीटर ये चला गया, इसके बाद ये बाईं ओर मुड़ गया। अब इसका बायां क्या होगा, ये ऐसे बाईं ओर मुड़ा, 15 मीटर चला, फिर इसके बाद में दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर जब मुड़ा तो ऐसे मुड़ा और 25 मीटर चला, ठीक है। फिर ये दाईं ओर मुड़ने के बाद में फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, ऐसे चला। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान से इसकी दूरी बताइए, दूरी और दिशा दोनों क्या होगी, तो दूरी निकालोगे तो 20 देखो ये हो गया और ये बीच वाली डिस्टेंस कितनी 25, तो 20 और 25 डिस्टेंस टोटल मिलाकर कितनी हो गई, 45 मीटर हो गई। सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हालांकि यहाँ पर अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो पूर्व दिशा आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप क्या करोगे, डी करेक्ट करोगे। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, यहाँ पर देखिए सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, करिए जल्दी से। ए बी सी डी ई एफ, ये 6 लोग हैं पूर्व की ओर मुकर के बैठे हैं, पूर्व की ओर मुकर के किधर भी बैठा दो कोई दिक्कत नहीं ऐसे क्वेश्चनों में। तो यहाँ पे अरेंज करिए, सी बीच में है ए और ई के, सी बीच में है ए और ई के, बी ई के निकटतम दाएं हैं तो बी ई के निकटतम दाएं हो गया, लेकिन डी के बाईं ओर है, एफ दाएं छोर पर नहीं बैठता है, यहाँ पर नहीं बैठता तो कहाँ बैठेगा, ये यहाँ पर बैठेगा। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि बाएं छोर पर कौन है, तो बाएं छोर पर अगर देखोगे तो बाएं छोर पर एफ है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। चलिए आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये आपका होमवर्क है, कॉमेंट सेक्शन में आंसर देना है सभी को।